सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा पुलिस पर सवाल उठाने वालों के कार्यक्रम में लगते हैं। देश विरोधी नारी, इन्हीं की पार्टी ने 2012 में आतंकियों पर दर्ज मुकदमे लिए थे वापस। लखनऊ में हुई बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, दिल्ली से वर्चुअली जुड़े बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी की तारीफ में बोले, बीते 4 साल में यूपी में दंगा नहीं, विकास हुआ। लखनऊ में एटीएस को मिली 3 और संदिग्धों की जानकारी, स्पेशल कोर्ट ने 3 संदिग्धों आतंकियों को 7 की रिमांड पर भेजा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को झटका, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोप किए तय, 30 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। चंदौली में धान गेहूं खरीद घोटाले की सीबीआई जांच की हुई मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है जनहित याचिका। टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेलेंगे नोएडा के डीएम सुहास एलवाई, बीजिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत चुके हैं गोल्ड। संभल में धर्मांतरण के मकसद से छात्रा को अगवा करने का मामला आया सामने, डॉक्टर पिता ने एसपी से लगाई इंसाफ की फुहार। शाहजहांपुर में एक दलित युवक की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या, प्रेमिका के घर वालों पर लगा हत्या का आरोप। महाराजगंज में एक 9 साल के बच्चे की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, चोरी के आरोप में बच्चे को पेड़ से बांध कर पीटा गया। अमरोहा में डीएम बीके त्रिपाठी ने सरकारी योजनाओं के प्रसारण के लिए एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, ये वैन गांव-गांव जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की देगी जानकारी। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 125 जोड़ों की करवाई गई शादी, कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद, विधायक और शहर के अधिकारी हुए शामिल। रामपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिया बयान, कहा ऐसा लग रहा है कि देश में होगा युद्ध। प्रयागराज में जल्द लगेगी रूस में तैयार हुई कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी, सिर्फ निजी अस्पतालों में लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन, सीएमओ डॉक्टर प्रभाकर राय ने दी जानकारी। कन्नौज में व्यापारी अपहरण कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, खाद व्यापारी सकुशल बरामद, 2 आरोपी अपहरणकर्ता गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में भू माफिया सतीश और रतन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई, करीब 73,68,000 की संपत्ति की गई कुर्क। आजमगढ़ में किशोरी के गायब होने पर पिता ने अपहरण का मुकदमा कराया दर्ज, पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश की शुरू। कन्नौज के तिरवा कस्बे में 12 साल की बच्ची से छेड़खानी, मारपीट के आरोपी मदरसा संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज। यूपी के सीतापुर में बकरी चुराने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, घटना में 3 लोग जख्मी। और ऐसे शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो आया सामने, ड्यूटी के दौरान कूड़े के ढेर पर लेटा हुआ नजर आया सिपाही। बिजनौर से हाथी की चहलकदमी की तस्वीरें आई सामने, जंगल से निकलकर गजराज सड़क पर आ गए, राहगीरों का रास्ता रोक दिया। कासगंज में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में हुआ पथराव और फायरिंग, पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में, घटना का वीडियो हो रहा वायरल। अमेठी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक सवार युवक के पास से मिले 3 तमंचे, जिंदा कारतूस। सुल्तानपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, पकड़ा गया बदमाश, लूट के कई मामलों में चल रहा था वांछित, तमंचा कारतूस बाइक और कैश बरामद। बदायूं में एक शख्स की बहन के ससुर ने गोली मारकर की हत्या, हत्या के बाद आरोपी हुआ फरार, बहन के ससुराल में दहेज को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने गया था शख्स, जांच में जुटे पुलिस। और नाव में सरिया चोरी करने वाले गैंग को रायबरेली पुलिस ने किया गिरफ्तार, 35 लाख की सरिया हुई बरामद, निर्माणाधीन इमारतों से चोरी करते थे सरिया गैंग के 8 लोग गिरफ्तार। बिजनौर में पुलिस और स्वाच टीम ने किया लूट की 2 घटनाओं का खुलासा, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूटा हुआ सामान तमंचे और कारतूस के बरामद। सीतापुर में पुलिस ने बैंक मित्र के साथ हुई लूट की घटना का किया खुलासा, नाबालिग सहित 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, कैश और पासबुक मिले। कानपुर में सफाई कर्मी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक पर दर्ज की FIR, परिजनों ने की थी पुलिस से शिकायत। हाथरस में पुलिस ने छापा मारकर 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 1 करोड़ का गांजा हुआ बरामद।
झांसी में दो पक्षों में हुए विवाद में एक महिला चाकू लगने से हुए जख्मी। घर खाली करने के मामले में हुआ था विवाद, पुलिस ने शुरू की जांच। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई एक कार, हादसे में दो लोगों की हुई मौत, 10 लोग हुए जख्मी। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बुधनिया गांव के पास हादसा। महोबा में जिला पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मी ने ड्यूटी के दौरान जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या की कोशिश। 3 महीने से वेतन न मिलने से परेशान चल रहा था सफाई कर्मी। हाथरस में पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा पुलिस ने किया। मुठभेड़ में 4 लुटेरे हुए गिरफ्तार, कैश बाइक और तमंचा बरामद। बागपत में स्वास्थ्य कर्मी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या करने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ी अवैध शराब। चेकिंग के दौरान डीसीएम में मिली शराब, डीसीएम का चालक मौके से हुआ फरार। बिजनौर के जिला कारागार में हार्ट अटैक से हुई कैदी की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। अमरोहा के रायपुर उक्सी गांव में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी, बदमाश पर था 25,000 का इनाम। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन रेलवे पुलिस ने ट्रेन से लाखों रुपए की हुई चोरी का किया खुलासा, जेवर और कैश के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में व्यापारी का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर के खालिसपुर डिगूर में खेत में काम कर रहे किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में एक दबंग दुकानदार ने ग्राहक को बुरी तरह से पीटा, मामले कहा सुनी के बाद हुआ विवाद, घटना का वीडियो हो रहा वायरल, पुलिस ने आरोपी दुकानदार को किया गिरफ्तार। अपने घर पहुंचे लद्दाख में फंसे बिजनौर के 27 मजदूर, मजदूरी कराने के नाम पर करगिल ले गया था ठेकेदार, बाद में हुआ फरार, बीजेपी नेता की मदद से वापस आए सभी मजदूर। चंदौली में हाई टेंशन तार टूट कर गिरने से पशु चिकित्सक की बाइक पूरी तरह से चली, हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं।